आपके शॉट में पावर नहीं आएगी, आपके अच्छी टाइमिंग नहीं बनेगी। तो टाइमिंग के लिए, अच्छे पावर के लिए जरूरी क्या है कि आपके पास पावर, आपका जो है वो बैलेंस ठीक होना चाहिए। अब बैलेंस कैसे ठीक होगा, देखो ना, अगर आपने ये कह दिया कि आपने टांग बांध के बैटिंग करना शुरू कर दें, आप ऐसे से गिरने लगेंगे, आप ये शॉट लगेंगे। इसी तरह से जब आप बैक लेग अपनी ये मूव कर देंगे ड्यूरिंग प्लेइंग शॉट, ठीक है, यानी यूं चले जाएंगे, यूं चले जाएंगे, इसका मतलब आपका बैलेंस जो है वो आउट होना शुरू हो गया है। और जब आपका शॉट जो है कम्प्लीट नहीं होना और टाइम वाइम अच्छी नहीं होनी, तो आपको क्या है कि आपको अपनी शॉट को पहले इस स्टांस को अच्छा जो है जमीन पर प्लांट करना, प्लांट करते हैं, खड़े हो जरा देखो, आपने अपने बैक लेग जो है इसको अच्छा प्लांट करना, याद रखना। अच्छा प्लांट करने का मतलब होता है कि इसको जमीन से अच्छा जो है पावर लेनी है, आपने बैक लेग से पावर लेनी है। पावर तभी आएगी जब वो जमीन के साथ रहेगी, अगर जमीन से उठ जाएगी तो वो पावर खत्म हो जाएगा, आपका खत्म हो जाएगा, ठीक हो गया। कि मैं खुद देख रहा हूँ यहाँ पे, ताकि तुम्हें ये टांग को यूज कर रहे हो, ये तो ठीक है, ठीक है। देख रहे तुम लोग, जामो को ध्यान रखो बड़ा, आप सारे देखो उसको ध्यान से, और ये पूरी नजर रखनी है, ठीक है जी। देखिए आप लोग, ये अब आपने अपनी बैटिंग के दौरान इस चीज का बहुत ख्याल रखना है कि मेरी बैक लेग जो है अच्छी स्टेबल है, क्या वो अनड्यू तो नहीं मूव कर रही, ठीक है जी। अगर वो स्टेबल है, याद रखना, आगे आपके समझ याद यकीन कर लो कि आपके शॉट में पावर आने वाली है। yes, ये बातें वो तो होती हैं जो आपको नजर तो नहीं आती, लेकिन इसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है आपकी बैटिंग के अंदर। तो लिहाजा आप अपनी नेट के अंदर बैटिंग ये चीज अप्लाई करें कि मेरी बैक लेग वाइज प्लेइंग द शॉट इज वेल प्लांटेड, वेल प्लांटेड डेफिनेटली अच्छी पावर आगे एग्जीक्यूट होने वाली। ओके चलो।